मौसम विभाग ने बिहार में बदलते मौसम का बड़ा अपडेट दिया है और इसको लेकर के हर बिहारवासी चिंतित हो सकता है, क्योंकि बिहार में अभी ठंड के हल्के सीजन में गर्मी की शुरुआत हो गई है। बिहार में एक बार फिर से पारा तेजी से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मौसम विभाग ने चेताया है कि बिहार में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। आपको बताएं कि बिहार में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में गर्मी की आहट दिखने लगी है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। राजधानी पटना हो या मोतिहारी या फिर सूबे का कोई दूसरा इलाका, तापमान में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। इसका असर भी अब नजर आने लगा है। चढ़ते पारे की वजह से गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। तड़के सुबह और शाम को भी हल्की ठंडी हवाओं का प्रभाव जरूर है, लेकिन गर्मी जो है वो दोपहर के बाद से काफ़ी प्रचंड रूप धारण कर रही है। सुबह शाम ठंडी का कुछ असर जरूर है, लेकिन इन दिनों में गर्मी की एंट्री हो चुकी है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पछुआ हवाओं का असर बिहार में सुस्त पड़ता दिख रहा है। यही वजह है कि तापमान में उछाल सामने आया है। सुबह के सभी जिलों में अधिकतम तापमान दिन ब दिन उबरता नजर आ रहा है। राजधानी पटना में शनिवार को 30 डिग्री के पार पारा पहुँच गया। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को तापमान 2.7 डिग्री का उछाल रहा। राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि सुबह में सबसे गर्म इलाका मोतिहारी, जहां पर 18 फरवरी को पारा 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। दूसरे जिलों की स्थिति देखा जाए तो अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री, नवादा में 28.7 डिग्री, जमुई में 29.5, मुजफ्फरपुर में 28.5 डिग्री, बेगूसराय में 28.1, वाल्मीकि नगर में 29.6, शेखपुरा में 29.2, सारण में 28.9, औरंगाबाद में 29.9, कटिहार में 28.9, सुपौल में 30 डिग्री, भागलपुर में 29, पूर्णिया में 29, अररिया में भी 29 तापमान रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में राज्य में ऐसे हालात रहेंगे जैसे तापमान में काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा और प्रचंड गर्मी बढ़ती हुई नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की स्थिति पर नज़र डालें तो तेजी से न्यूनतम तापमान बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। किशनगंज में सबसे कम पारा है 11.5 डिग्री रहा। राजधानी पटना में 14.4 डिग्री, गया में 12.6 डिग्री रहा। इस तरीके से बिहार में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ अब चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि फरवरी महीने का मिडिल चल रहा है और अभी बसंत भी आना बाकी है। ऐसे में प्रचंड गर्मी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जैसे सर्द हवाओं का असर कम हो रहा है, गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के लगभग सभी जिलों में दिन का पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। स्थिति ये हो गई है कि लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और धीरे धीरे अब गर्मी भी प्रचंड रूप अपना धारण कर लेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।